अजामिल ने अपने पुत्र के धोखे में भगवान का नाम जपा, तो बोलो मुक्ति वही के नो भाई, कि तुलसी अपने राम को, कि तुलसी अपने राम को रीजी भजो चाहे खीजी, और भूमि पड़ो जम जा तू है उल्टो सीधो बीज। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खीज, और भूमि पड़ो जम जा तू है उल्टो सीधो, अपने को मिट्टी में दबा दो जरूर पौधा बनेगा सज्जनों। तो भगवान का नाम जिस अवस्था में हो, जिस स्थिति में हो, भगवान का नाम हर पल जपो। तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे जी खीज, और भूमि पड़ो जम जा तू है उल्टो सीधो। सुखदेव जी बता रहे राजन परीक्षित, आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करो। इधर देखा अजामिल का नारायण नाम से उद्धार हो गया। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से प्रश्न कर दिया, परीक्षित राज ये बताओ तुम्हारे अंदर ये डर बैठा हुआ था, मैं सातवें दिन मुझे तक्षक डस लेगा, रानी इड़ावती पुत्र जन्म जय छूट जाएंगे और मैं दुनिया से चला जाऊंगा, अब ये बताओ आपके अंदर मृत्यु का डर कितना है। कहने लगे भगवान में ये जान गया मृत्यु इस शरीर की होगी, आत्मा की कोई मृत्यु नहीं हो सकती, और इस शरीर का नाम परीक्षित नहीं है कि उसका नाम पहले से अपना रखा हुआ। आंख का नाम आंख है, कान का नाम कान है, मुंह का नाम हाथ पेट सबका नाम है ना, तो नाम क्या है? इसके अंदर जो जीव आत्मा बैठा है वही नाम परीक्षित है, जिसकी कोई क्षति ना हो वही परीक्षित है। कहने लगे भगवान में समझ गया, जैसे पुराने वस्त्रों को आदमी उतार देता है नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराना शरीर रूपी वस्त्र उतार करके नया शरीर रूपी वस्त्र धारण कर लेता है। सुखदेव जी बताने लगे राजन परीक्षित, आगे की कथा मन लगा करके श्रवण करो। भगवान का एक बार भगवान का दर्शन करने सनकाद मुनि वैकुंठ में गए, जहां पर देखा तीन बार प्रयास किया, तीनों बार भगवान के दो द्वारपाल है जिनका नाम है जय और विजय, दोनों ने रोक दिया, तीन बार रोका। संतों को क्रोध आया, लोग कहते हैं संतों को क्रोध नहीं आना चाहिए, संत तो सज्जनों संतों का क्रोध तो आभूषण हुआ करता है, संतों का आभूषण होता है। एक बात मैं आपसे कहूं, एक सर्प रहता था जंगल में, वहां एक संत भगवान का पदार्पण हुआ, और मैं कह रहा था कि संत हृदय नवनीति समाना, और कहा कवि कछु कही न जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। संत का हृदय नवनीत कहते मक्खन मक्खन की तरह होता है। अब संत भगवान वहां से निकले, कोबरा नाग रहता था, अब जैसे ही उसके पास कोई आता था दूर से फुसकार मारता था, पूरा गांव से डरता था। सो संत भगवान उस पेड़ के नीचे ठहरे, ये कोबरा नाग ने फुसकार मारना शुरू कर दिया। संत भगवान बोले अपनी आदत को बदल ले रे कोबरा, ये फुसकार क्यों मारता है, मार खाता भी है नहीं और फुसकार मारता है। बोले ये मेरा धर्म है, मुझे दुनिया वाले जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बोले जा आज से मैं तुझे गुरुमंत्र देता हूं, दुनिया का तेरे पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन तू किसी पर प्रहार नहीं करेगा। बोले जाओ गुरुजी दे दो गुरुमंत्र से। गुरुजी ने गुरुमंत्र नाग को दे दिया। अब थोड़े दिन बाद गुरुजी चले गए, अब जो व्यक्ति आ रहा है अब फुसकार तो मार ही नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे आते हैं कंकड़ी ईंट पत्थर लेते हैं उसमें फोड़ फोड़ करके बुरा हाल कर दिया। नाग बोला अच्छे महात्मा आए, सत्संग लेने से मेरी दुर्दशा हो गई। स्वामी जी कुछ समय बाद फिर लौटे, स्वामी जी ने देखा बेचारा तीन ही दशा में सारे शरीर से रक्त बह रहा है पड़ा है, हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, और जैसे ही प्रणाम किया बोले बेटा तुम्हारी ये दशा क्या हो गई। बोले तुम्हारे सत्संग ने मेरी ये दशा कर दी, तुम्हारा सत्संग मेरी जिंदगी में आ गया। क्या मतलब? बोले आपने ये कहा था किसी पर फुसकार नहीं मारोगे, मैंने फुसकार मारना बंद कर दिया, तो छोटे छोटे बच्चे मुझे कभी इधर खींचते हैं कभी उधर खींचते हैं, कभी कंकड़ी मारते कभी मिट्टी मारते हैं, ये आपके सत्संग की ये दशा है। तो सज्जनों कह दिया बेटा तू अपने असली स्वरूप में आ जा, काटना मत काटना पर फुसकार मारना मत भूलना। तो क्रोध संतों का आभूषण हुआ करता है सज्जनों। अरे तुम्हारी दुकान में असली सामान हो जहां चाहो बेचो बिकेगा, और असली सामान की कोई गारंटी होती है? असली चार्जर की गारंटी? प्रिय भक्तों तीन तरह ड्योढ़ियों पर रोका, संतों ने शाप दे दिया, जाओ जय विजय मैं तुम्हें शाप देता हूं, तीन जन्म तक तुम राक्षस हो जाओ। पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यप को नरसिंह अवतार लेकर के भगवान ने मारा, और हिरण्यकश्यप का वध आगे की कथा में आपने श्रवण किया था, वराह का रूप धारण करके जब पृथ्वी को लाए तब वध किया। दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण जिसको राम ने मारा, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और तंत्र वक्र बने जिनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारा।